A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 21st June. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Hope and Promise. Dekho, hope ka matlab hota hai umeed. Promise ka matlab hota hai vaada. On Centre's J&K outreach, Jammu and Kashmir. आउटरीच का मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ रीचिंग आउट, मतलब आगे बढ़ना. द सेंटर्स मूव इंगेज, मतलब जो बीजेपी है उसका, उसने अभी एक मूव लिया है, उसने एक कदम बढ़ाया है. इंगेज करना मतलब इंक्लूड करना विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो जीएनके के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कहीं ना कहीं इंगेज होना, उनको इंक्लूड करना, उनसे बातचीत करना. इन कश्मीर इज वेलकम. तो ये बीजेपी का जो कदम है कि बीजेपी ने आगे बढ़कर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ क्या किया है, उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ इंगेज होने की बात की है. तो ये बीजेपी का एक बहुत अच्छा कदम है और इसका वेलकम, इसका स्वागत होना चाहिए. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. सिग्नलिंग का मतलब है इशारा करना, संकेत करना. रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है रिसर्जेंस, जिसका मतलब होता है पुनरुत्थान या पुनर्जीवन. ओ पॉलिटिकल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर, पिछले कुछ टाइम से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस था वो बिल्कुल क्या था, निष्क्रिय था, वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था. जैसे ही बीजेपी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ बातचीत करना चाहे, उनके साथ इंगेज होने की बात की है, तो इससे क्या मिला है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुका था उसको एक संकेत मिला है रिवाइवल का, यानी वो दोबारा से उसका पुनरुत्थान हुआ है या फिर पुनर्जीवन हुआ है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया टू मीट 14 पार्टी लीडर्स. तो उन्होंने डिसाइड किया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अलग अलग पार्टीज के जो 14 लीडर्स हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की. फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूज किया गया है. ऑन जून 24th, और उन्होंने 24 जून को जो अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स थे तो उनके साथ उन्होंने क्या किया, उनके साथ उन्होंने मीटिंग किया. मिस्टर मोदी आउटरीच, और मिस्टर मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका ये जो आउटरीच है आगे बढ़कर आना है, आउटरीच का मतलब आगे बढ़ना, इज टेकिंग प्लेस नियरली 2 years आफ्टर. और इस तरीके से नरेंद्र मोदी का आगे बढ़कर आना जेएनके के अंदर ये लगभग 2 साल के बाद हुआ है. आफ्टर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज स्ट्रिप्ड ऑफ, देखो स्ट्रिप्ट का मतलब होता है रिवॉक करना, रद्द करना, ऑफ इट्स स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. और जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ था उसको रिवॉक कर दिया गया था, उसको रद्द कर दिया गया था. उसके बाद क्या किया गया, डिसमेंबर्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, और जम्मू एंड कश्मीर को डिसमेंबर कर दिया गया. डिवाइड इनटू पीसेस, यानी डिवाइड इनटू पीसेस मतलब टुकड़े कर देना, इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, और जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य का दर्जा ना देकर बल्कि उसको क्या कर दिया गया, उसको यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई. एंड अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अनएग्जाम्पल्ड का मतलब ऐसा पहले कभी ना हुआ हो. एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी या स्टेप ऑफ सेंट्रल पावर्स, सेंटर का जो पावर था बीजेपी ने अपनी पावर का यूज करते हुए जम्मू एंड कश्मीर का एक जो स्पेशल उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ था उसको रिवॉक करके, उसको रद्द करके, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या कर दिया, उसको विभाजित कर दिया. और ये जो चीज मतलब इसको अब लगभग 2 साल हो चुके हैं. अब 2 साल के बाद मिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, एक स्टेप आगे लिया है जो कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो एक वेलकम स्टेप है. उन लोगों के साथ, उन पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बातचीत करनी चाहिए, उनको इंगेज करना चाहा है, तो एक ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने. दिस डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पोजेस करना,
एग्जिबिट करना है, डिस्प्ले करना, दिखाता है. दिस शोज आर डिजायरेबल. डिजायरेबल का मतलब हो गया मतलब खुशी से, इच्छा से, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन इन हिज अप्रोच टूवर्ड्स रिजॉल्विंग द कश्मीर इश्यू. और कहीं ना कहीं ये जो मतलब नरेंद्र मोदी की ये जो अप्रोच है ये दिखाती, क्या दिखाती है, उनकी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है. और कहीं ना कहीं क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का जो भी इश्यू है उसको क्या करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, उनका समाधान करना चाहते हैं. कंसिडरिंग, इस बात का ध्यान रखते हुए द एबसेंस ऑफ एजेंडा फॉर द मीटिंग. हालांकि मतलब उन्होंने जो 14 पार्टी लीडर्स के साथ मीटिंग की हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, तो उनका कोई स्पेसिफिक एजेंडा तो नहीं था मीटिंग का. एंड प्रिवेलिंग, प्रिवेल का मतलब करना था किसी चीज का स्प्रेड होना, फैलाव होना. सेंस ऑफ बिट्रेल, बिट्रेल का मतलब था हॉक्स, धोखा, अमन कश्मीर. और हालांकि जब से मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट मिला हुआ था, एक स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, स्पेशल जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेटस मिला हुआ था, जब से उसको रिवॉक कर दिया गया, जब से उसको रद्द कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पॉपुलेशन थी उनके दिल में ऐसा था मानो कि उनके साथ धोखा हुआ है. और इस तरीके से 14 मेंबर्स के साथ मीटिंग करना पॉलिटिकल लीडर्स के साथ विदाउट एजेंडा, एट द सेम टाइम जितने भी कश्मीरी है उनके दिलों में क्या थी, उनके दिलों में ये एक फीलिंग थी कि मान लो कि उनके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ है. एनी होप, इस बात की उम्मीद करना ऑफ ए क्विक रेजुलेशन. रेजुलेशन का मतलब समाधान. टू फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब होता है बिल्कुल जम जाना, रुक जाना. पॉलिटिकल क्वेश्चन इज नॉट रियलिस्टिक. अमल ये जो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, एक राजनीतिक जो सवाल है, इसका जवाब मिलना अभी रियलिस्टिक नहीं है. इसका जवाब मिलना अभी थोड़ा क्या है, अभी पॉसिबल नहीं है. अभी इतने जल्दी से इस सवाल का जवाब इतना जल्दी से नहीं मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी कश्मीरीज हैं उनके दिलों दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक बिट्रेल वाली फीलिंग जरूर है. और अगर हम ये सोचे कि इसका जवाब और इसकी जो ये जो क्वेश्चन है, जो पॉलिटिकल क्वेश्चन जो कि फ्रोजन है, बहुत दिनों से वहां पे जमा हुआ है, रुका हुआ है, और उसका हमें जल्दी से हमें उसका एक सॉल्यूशन चाहिए, तो इतना पॉसिबल अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है. राइट, तो ये आपका फर्स्ट स्लाइड हो गया. नाउ लेट अस डिस्कस ग्रामर कॉन्सेप्ट. देखते हैं, टू इंगेज, देखो ये आपका 2+V1 हो गया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज कर लिया. प्राइम मिनिस्टर, देखो जनरली क्या होता है जब आप पॉलिटिकल कोई भी आप हाईली डेजिग्नेशन की बात करते हैं तो अपने साथ आर्टिकल लेता है, लेकिन अगर उसमें आपने उस पर्सन का नाम भी यूज कर दिया तो आर्टिकल द हम यूज नहीं करते, इसलिए हमने आर्टिकल द यहाँ पे यूज नहीं किया. हैड डिसाइडेड आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने डिसाइड का थर्ड फॉर्म डिसाइडेड यूज कर लिया. वो स्ट्रिप्ड ऑफ, देखो स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को उतार देना, रिमूव कर देना या रिवोक कर देना. यहाँ पे आपने यूज किया बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट का है, पास्ट इंडेफिनाइट का है. और बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वॉज होता है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया. यहाँ पे भी डिसमेंबर्ड भी वॉज के साथ ही कनेक्टेड है, ये भी पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. डिसमेंबर का थर्ड फॉर्म डिसमेंबर्ड कर लिया आपने. देखो एक्सरसाइज आपका नाउन हो गया, अनप्रेसिडेंटेड आपका एडजेक्टिव हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. अनप्रेसिडेंटेड का साउंड वोवल साउंड है तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया. रिजॉल्विंग, देखो टुवर्ड्स क्या है, टुवर्ड्स आपका एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप हमेशा ही जीरण यूज करते हैं, V1+ING आपने यूज कर लिया. फ्रोजन, देखो पॉलिटिकल क्वेश्चन आपका नाउन हो गया तो फ्रोजन आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. राइट, Now let us move on. Discontinuing, देखो discontinuing का मतलब seizing, किसी चीज को रोक देना. Right? Discontinuing special status of Kashmir. और कश्मीर को जो constitution के तहत हमारा जो संविधान है उसके तहत उसको एक स्पेशल दर्जा मिला हुआ था, उसको डिसकंटिन्यू करना, उसको रोक देना या उसको रद्द कर देना, वो इज अ कोर एजेंडा ऑफ हिंदुत्व नेशनलिज्म फॉर डेकेड. और जो मतलब कहीं ना कहीं ये पिछले बहुत डेकेड से, दशकों से एक ही एजेंडा था, हिंदुत्व नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद. और कहीं ना कहीं मतलब लगातार ये एक हिंदुत्व नेशनलिज्म एक क्या था, एक एजेंडा था जिसके तहत कश्मीर के अंदर जो एक स्पेशल उसको एक दर्जा मिला हुआ था उसको खत्म करना था, एंड विच वॉज अचीव. और ये जो स्पेशल जो एक एजेंडा था कि कहीं ना कहीं कश्मीर को एक जिसमें एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसको खत्म करना था, उसको रिवोक करना था, वॉज अचीव. ये कब प्राप्त हुआ, आफ्टर सेकेंड पार्लियामेंट्री विक्ट्री ऑफ मिस्टर मोदी इन 2019.
और ये जो एजेंडा था उनका पूरा हुआ जब मिस्टर नरेंद्र मोदी का जो सेकंड टर्म था, जब वो क्या बने थे सेकंड टर्म में उन्होंने अपना इलेक्शन जीता था 2019 के अंदर, तो उनको ये जो एजेंडा था वो क्या एजेंडा था, तो हिंदुत्व नेशनलिज्म का जो एजेंडा था और कश्मीर को एक जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था तो उसको खत्म करना था। ये जब उनका सेकेंड जो सेशन स्टार्ट हुआ एज ए प्राइम मिनिस्टर तो उसके अंदर उसने इस एजेंडे को पूरा किया। There has been a concentrated campaign. The concentrated के दो मीनिंग होते हैं, एक तो कलेक्टिव आप जिसको बोल सकते हैं राइट, सहयोग के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर, या ठोस, कंसेंट्रेट का ठोस भी हो सकता है। कंपेन टू अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब तो वीकन करना, कमजोर करना, और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से या सेंटर की तरफ से बहुत ज्यादा ठोस कंपेनिंग की गई टू पॉलिटिकल पार्टीज दबाने के लिए, किनको, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है उनको दबाने के लिए, एंड लीडर्स जो लीडर्स हैं उनको वैली मतलब कश्मीर के अंदर जो लीडर्स उनको दबाने के लिए बाय बीजेपी एंड द सेंटर। और बीजेपी मतलब सेंटर ने क्या किया, बहुत कुछ ठोस कंपेनिंग की जिससे कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और जो कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर्स हैं जो प्रोमिनेंट फेस हैं उनको भी दबाने की कोशिश की गई, उनको कहीं ना कहीं उनको दबाया गया, उनको वीक किया गया। सिंस 2014, 2014 से अगर बात की जाए, बीजेपी हैज वर्क अंडर अ प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब होता है अजम्पशन, इस मान्यता के साथ, इस अजम्पशन के साथ दैट द पीडीपी एंड एनसी, ये पार्टीज के नाम हो गए ओके, क्योंकि ये दो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वर्क इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावट, बैरियर्स, मतलब ये, हालांकि 2014 से बीजेपी इस अजम्पशन के साथ काम करती रही है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जम्मू एंड कश्मीर की हैं, पीडीपी होगी और एनसी है, वो इम्पेडिमेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर का जो ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, उसके अंदर वो अड़चन है, बाधा है, नॉट फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब मदद करने वाला, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये मदद करने वाली नहीं है बल्कि अड़चन है टू ए सॉल्यूशन इन कश्मीर, जिससे कि कश्मीर के अंदर जितने भी इश्यूज हैं उनका समाधान नहीं हो सकता है। और ये जो पीडीपी एंड एनसी हैं, ये जो कश्मीर के अंदर समाधान होना चाहिए उनके बीच में अड़चन बनी हुई है, ना कि ये फैसिलिटेटर है, ना कि उनका सुझाव करने वाली या उनकी उनका उन प्रॉब्लम्स का हल करने वाली नहीं है ये पार्टीज। द बीजेपी शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड का मतलब कम समय के लिए जीना, शॉर्ट लिव्ड अलायंस विद पीडीपी। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी का अलायंस भी था पीडीपी के साथ ओके, अलायंस का मतलब संधि कह सकते हो राइट। फार फ्रॉम बिल्डिंग ब्रिजेस एंड क्रिएटेड मोर हॉस्टिलिटी बिटवीन द पार्टीज, हालांकि बात की जाए तो बीजेपी का पीडीपी के साथ एक शॉर्ट लिव, एक थोड़े टाइम के लिए उसका अलायंस भी रहा, उसके साथ उसका संधि रहा, और मतलब कहीं ना कहीं मतलब उस संधि के तहत फार फ्रॉम, हालांकि उन्होंने बिल्डिंग्स के ऊपर काम करना था, ब्रिजेस वगैरह बनाने थे, वो चीजें तो उनसे हुई नहीं, क्रिएटेड, और दोनों पार्टीज के बीच में क्या होगी, हॉस्टिलिटी होगी, एक दुश्मनी बन गई, एनमिटी मतलब एक दुश्मनी होगी दोनों पार्टीज की अगर बात की जाए। एंड डी लेजिटिमाइज्ड बोथ, लेजिटिमाइज्ड का मतलब हो गया, डी लेजिटिमाइज्ड का मतलब हो गया मेक अनएक्सेप्टेबल इन द आईज ऑफ पब्लिक, और मतलब इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा इनमें डिस्प्यूट हो गया और इनका जो अलायंस था, इनका जो संधि था आपस में, वो क्या हो गया, वो रिवॉक हो गया, वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से दोनों की दोनों पार्टीज क्या हो गई, पब्लिक की नजरों में क्या होगी, अनएक्सेप्टेबल हो गई, पब्लिक ने दोनों को ही नकार दिया सिरे से। द लीडर्स ऑफ मेन स्ट्रीम पार्टीज, और जो मतलब मेन स्ट्रीम पार्टीज के जो लीडर्स है, मेन स्ट्रीम का मतलब मुख्य जो पार्टीज है जो कि जेएनके के अंदर है, उनके जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जो लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो कि चाहे वो पहले वाले जो जितने भी चीफ मिनिस्टर्स क्यों ना हो, वर जेल, उनको जेल में डाल दिया गया आफ्टर 2019, मतलब 2019 के बाद, जब एक स्पेशल जो एक जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेटस मिला हुआ था, जब उसको रिवॉक किया गया, तो कहीं ना कहीं जो जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उनको जेल में डाल दिया गया सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। एंड द सेंटर्स आइडिया टू इनकम्बेट, इनकम्बेट का मतलब होता हैच करना, अ लोअर पॉलिटिकल क्लास मेड लिटिल प्रोग्रेस,
तो कहीं ना कहीं सेंटर का ये आइडिया था कि वो डेवलप कर लेगी एक लॉयल पॉलिटिकल क्लास, मतलब जिससे कि मतलब लोगों को ये लॉयल्टी दिखा सके, एक विश्वास दिला सके कि जो बीजेपी है वो एक एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लॉयल पॉलिटिकल पार्टी, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो इस विचारधारा ने भी अगर बात की जाए तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया। यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेपी को लेकर अभी लोगों का एक एक फेथ नहीं बना हुआ है, वो भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया है। तो ये सेकंड स्लाइड हो गया आपका। नाउ लेट अस डिस्कस ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो डिसकंटिन्यूइंग से लेकर ये डिकेड्स तक आप देख पा रहे हैं, ये आपका जीर्ण फ्रेज हो गया, आपका पूरा का पूरा ये जीर्ण फ्रेज बोलते हैं इसको हम। वॉज अचीव्ड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का पास्ट फॉर्म वॉज होता है और उसके बाद आपने वी थर्ड फॉर्म यूज कर लिया अचीव का, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। पास्ट इंडेफिनाइट का टू अंडरमाइन का हो गया ये 2+V1 जो कि इंफिनिटिव केस हो गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो अपने साथ आर्टिकल द लेकर चलेगी। फ्रॉम आपका क्या हो गया, प्रपोजिशन हो गया, उसके V1+ING जो कि जीरेंड आपने यूज कर लिया है। उसके बाद वर्ड जेल, अगर देखें तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, मिनिस्टर्स आपका प्लूरल था तो इसलिए वी का प्लूरल फॉर्म वन हो गया। उसके बाद V3 आपने जेल यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, क्लियर, पैसिव स्ट्रक्चर में हो गया ये आपका। द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, और जहां तक अगर बात की जाए जो मतलब पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो वहां का जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है राइट हैज चेंज बीइंग वाइल, अगर बात की जाए पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो एक राजनीतिक एक जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया का जो एक राजनीतिक जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है फिलहाल के, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनकी जो सरकार है इज ईगर इच्छुक होना टू एंड द यूएस इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट का मतलब था उलझन, कॉम्प्लिकेशन इन अफगानिस्तान। और कहीं ना कहीं जो जो बाइडेन जो सरकार है जो कि यूएस का जो एक उलझन बना हुआ है अफगानिस्तान के अंदर, उसको खत्म करना चाहता है। एंड रेजिस्ट चाइना, और एट द सेम टाइम जो बाइडेन जो सरकार रेजिस्ट करना चाहती है, रोकना चाहती है चाइना को, चाइना अटेम्प्ट कर रही है पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहती है, चाइना पूरी दुनिया को दबाना चाहती है, सप्रेस करना चाहती है। तो जो बाइडेन सरकार पहले तो जो इनटैंगल मतलब जो फंसी हुई है, उलझी हुई है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। एट द सेम टाइम जो बाइडेन जो सरकार है वो क्या करना चाहती है, चाइना अटेम्प्ट कर रहा है पूरी दुनिया को डोमिनेट करने का, तो उसको रेजिस्ट करना चाहती है, उसको रोकना भी चाहती है। जहां तक इंडिया की बात की जाए, इंडिया इज एन इन अ स्टैंड ऑफ विद चाइना, स्टैंड ऑफ विद चाइना ऑन द बॉर्डर। और जहां तक अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का भी क्या बना हुआ है, एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, इम्पास बोल देते हैं जिसका गतिरोध है। तो इंडिया का भी चाइना के साथ बॉर्डर के ऊपर एक गतिरोध बना हुआ है पिछले 2 सालों से अगर बात की जाए। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जहां तक जो बाइडन की सरकार है, इज पब्लिकली डिस अप्रूविंग ऑफ कश्मीर, इंडियाज कश्मीर पॉलिसी। और जहां तक मतलब जो बाइडन की जो सरकार है उसने पब्लिकली अगर बात की जाए तो इंडिया की जो कश्मीर को लेकर जो पॉलिसी है उसको डिस अप्रूव किया है, उसको रिजेक्ट कर दिया पब्लिकली। वाइल जबकि वॉन्टिंग टू स्ट्रेटेजिकली इम्ब्रेस इट, और जहां तक अगर राजनीति के तौर पर अगर बात की जाए, इम्ब्रेस का मतलब गले लगाना, इट मतलब अगर बात की जाए तो अगर पब्लिकली तो जो बाइडेन सरकार ने मतलब जो इंडिया की जो कश्मीर को लेकर जो पॉलिसी है उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो उसको क्या करना चाहती है, इम्प्रेस करना चाहती है, उसको गले लगाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ड्यूल कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिक्लेम, और पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है, रिक्लेम करना, रिक्लेम का मतलब होता है रिकवर करना इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने बेनिफिट की तरफ देख रहा है कि उसको कोई ना कोई उसको बेनिफिट मिले, उसको एडवांटेज मिले। द मिसहैंडलिंग, और कहीं ना कहीं मिसमैनेज करना ऑफ COVID-19 पेंडेमिक, और इंडिया ने क्या किया है, जो COVID-19 को कोरोना को जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए था उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया है, हैज डेंटेड, डेंटेड का मतलब है डिसग्रेस कर देना, मतलब उसको धूमिल कर देना, और जो इंडिया की जो एक ग्लोबल इमेज थी उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया, उसको खराब कर दिया। कैसे, क्योंकि इंडिया ने जिस तरीके से COVID-19 का सेकेंड वेव को अगर देखते हैं हम तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज ही नहीं किया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, वैक्सीनेशन की कमी हो गई, तो ये जो एक ग्लोबल इमेज थी इंडिया का उसको भी क्या हुआ, वो भी धूमिल हुई कहीं ना कहीं। एंड ट्रिगर्ड का मतलब होता है उकसाना, स्टिमुलेट करना न्यू पॉलिटिकल
चैलेंजेस डोमेस्टिकली, और कहीं ना कहीं मतलब इसे राजनीतिक जो चैलेंजेस थी, चुनौतियां थी डोमेस्टिकली, घरेलू बहुत सारी उत्पन्न होगी इंडिया के लिए. ऑल दिस मेक, और ये सारे के सारे जो चीजें ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं, चाहे वो जो बाइडन का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, चाइना का हो, ये सारी के सारी चीज अगर बात की जाए, ओके, ऑल दिस मेज रिजिडिटी. रिजिडिटी का मतलब होता है स्टिफनेस, लेस रिवॉर्डिंग इन इंडिया कश्मीर पॉलिसी पॉलिसी. और ये सारी के सारी चीजें मतलब अगर बात की जाए, ये ओवरऑल अगर बात की जाती है कश्मीर के अंदर, ये सारी जो कुछ चीजें हुई हैं, एट द सेम टाइम ग्लोबल जो इन्वायरमेंट चेंजेस हुए हैं, ओके, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंजेस हुए हैं, ऑल दिस मेक रिजिडिटी, ये और भी ज्यादा स्टिफ कर देती है लेस रिवॉर्डिंग इंडिया कश्मीर पॉलिसी. और जो इंडिया की जो मतलब इंडिया एक्सपेक्ट करती है कि उसकी कश्मीर पॉलिसी को रिवॉर्ड किया जाए, बल्कि उसको रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता है. ऑल द सेम, और ऑल द सेम एट द सेम टाइम बाई क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अ वे टू फॉरवर्ड द सेंटर हैज, हालांकि मतलब सेंटर की इस बात को थोड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि बाई क्रिएटिंग एटलीस्ट सरकार ने इस बात को क्रिएट किया, उसने एक अवसर पैदा किया है टू एक्सप्लोर, डिस्कवर करना एक नया तरीका वे फॉरवर्ड आगे आकर. द सेंटर हैज एक्टेड, सेंटर ने बहुत वाइजली क्या किया, एक्ट किया है समझदारी के साथ, उसने कदम उठाया है रिगार्डलेस ऑफ इट्स रीजन, चाहे कोई भी वजह क्यों ना रही हो. सॉरी, तो सेंटर ने कहीं ना कहीं बहुत वाइजली एक्ट किया है, उसने अपना एक स्टेप फॉरवर्ड किया है. जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, तो सेंटर का एक ये एक ऐसा कदम है जो सराहनीय है, उसका वेलकम किया जाना चाहिए, राइट. तो ये आपका थर्ड स्लाइड था. नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट. Has changed, ये आपका देखो पैसिव has changed आपका हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट has के बाद आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, और उसके बाद टू एंड, ये आपका इंफिनिटिव केस हो गया, टू प्लस वी वन, वाइल आपका हो गया एक एडवर्ब हो गया, और उस कंजेक्शन सॉरी वाइल कंजेक्शन हो गया, उसके बाद आप जीरण यूज करते, वी वन प्लस आई जी आपने यूज कर लिया. ऑल ऑल दीज देखो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो आपने वर्ब भी प्लूरल यूज कर लिया, मेक यूज कर लिया, हैज एक्टेड आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके बाद अपने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, राइट. इट मस्ट इंगेज, इंगेज का मतलब इंक्लूड करना, यानी बीजेपी को क्या करना चाहिए, सेंटर सरकार को क्या करना चाहिए, इसको इंक्लूड करना चाहिए, इंगेज करना चाहिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन गुड फेथ, यानी उन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं गुड फेथ मतलब ऑनेस्टली. तो कहीं ना कहीं सेंटर को जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ऑनेस्टली क्या करना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए विद एन ओपन माइंड, एक खुले विचारधारा के साथ उनको क्या करना चाहिए, उनको इंगेज करना चाहिए. कश्मीर गवर्नमेंस गवर्नेंस जो कश्मीर का जो गवर्नेंस है, चैलेंजेस उसको जो चुनौतियां हैं, आर नॉट मैनेजियल. मैनेजियल का मतलब हो गया विच कैन बी मैनेज, मतलब जो कश्मीर का जो गवर्नेंस के जो चैलेंजेस हैं उनको मैनेज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है वहां पर, एंड करप्शन, वहां पर भ्रष्टाचार की बात की जाए वो भी फैला हुआ है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही है करप्शन को लेकर. लेजिटिमेट, इसको क्या कर देना चाहिए, इसको वैलिड कर देना चाहिए, वैलिडेट कर देना चाहिए कानूनी तौर से एज दे मे बी. तो ये कानूनी तौर पर क्या कर देना चाहिए, इसको वैलिडेट कर देना चाहिए, और ये जो चैलेंजेस है उनको क्या करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेट भी किया जाना चाहिए. लेकिन ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं मस्ट नॉट बी यूज्ड टू डिबेस पॉलिटिकल इटसेल्फ. लेकिन ये जो चीजें हैं ना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ग्रीवियंस को ध्यान में रखकर, रिवेंज को ध्यान में रखकर, डिबेस डिबेस का मतलब स्पॉइल करना पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इटसेल्फ. मतलब एक अगर रियलिस्टिक वे में देखा जाए तो करप्शन हो चाहे वहां पर, चाहे मैनेजियल जो चैलेंजेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, उसको जो अगर करप्शन है उसको तो लेजिटिमेट करके उसका इंक्वायरी भी होना चाहिए. लेकिन ये पॉलिटिकल रिवेंज को दिमाग में रखकर नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी के ऊपर आपने SIT बिठा दी वहां पर, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. एफर्ट्स टू टैकल करप्शन, और जहां तक करप्शन को अगर भ्रष्टाचार को टैकल करने की बात है, उसका उसका फाइट करने की बात है, उसको उसका सामना करने की बात है. एंड पिल फ्रेज का मतलब होता है स्टीलिंग, चोरी की बात है. शुड नॉट अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू फर्दरिंग इनस्टेबिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर. हालांकि ये जो चोरी हो चाहे करप्शन हो उसका इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, लेकिन इससे क्या नहीं होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इनस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, अस्थिरता पैदा नहीं होनी चाहिए. हालांकि इसका इन्वेस्टिगेट जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अस्थिरता पैदा हो जाए. द सेंटर्स अपियर्स, दिखाई पड़ना,
टू हैव डन सम ग्राउंड वर्क। हालांकि सेंटर के ये जो कदम उठाया है इससे थोड़ा बहुत ये प्रतीत होता है कि सेंटर ने कुछ जमीनी स्तर पर कुछ काम किया है, दो हालांकि इट हैज नॉट रिवील्ड का अंदर डिस्क्लोज करना एनी प्लान्स येट। हालांकि अगर बात की जाए सेंटर ने जमीनी स्तर पर कुछ काम तो किया है, लेकिन उसने अपनी जो प्लानिंग्स है, जो भी उसका जो जो प्लान्स है, उसने अभी तक उसको रिवील नहीं किया, उसको उजागर नहीं किया है। द मीटिंग, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग है दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के जम्मू कश्मीर के अंदर, मस्ट बी अ बिगिनिंग, एक शुरुआत होनी चाहिए टूवर्ड्स अ ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, जो लंबे टाइम तक रहे, टिकाऊ एंड डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक रेजोल्यूशन, सुझाव समाधान ऑफ कश्मीर क्वेश्चन। और कश्मीर जो एक क्वेश्चन बना हुआ है, और हमारे नरेंद्र जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनका जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स है जम्मू कश्मीर के साथ, तो ये एक शुरुआत होनी चाहिए क्या एक ड्यूरेबल, एक मजबूत, टिकाऊ, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक रेजोल्यूशन समाधान ऑफ कश्मीर क्वेश्चन। कश्मीर के क्वेश्चन के लिए एक समाधान निकलना चाहिए जो कि टिकाऊ होना चाहिए, नॉट एनी एक्सरसाइज। ये बल्कि एक एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, ये एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए इन मैनेजिंग सेंटर्स इमेज, जिससे कि सेंटर सिर्फ अपनी इमेज को क्या करना चाहती है, इमेज को सुधारना चाहती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, बल्कि जो सेंटर है उसको लिटरली और ऑनेस्टली जितनी भी ग्रीवियंस फैले हुए कश्मीर के अंदर, लोगों के अंदर जो एक रिवेंज है, एक कहीं ना कहीं बिट्रेल वाली फीलिंग है वहां के लोगों के अंदर, और जो पॉलिटिकल इश्यूज वहां पर है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको ऑनेस्टली उसको क्या करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए और उसका एक प्रॉपर तरीके से एक रियलिस्टिक उसका एक समाधान निकालना चाहिए, जिससे कि जम्मू कश्मीर का भला हो सके, वो डेवलप कर सके, राइट। तो ये आपका थर्ड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताता है, जो कि एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद आप हमेशा बेस फॉर्म यानी वी वन यूज करते, तो एंगेज आ गया। फिर मस्ट यहाँ पे दोबारा से आ गया, मस्ट नॉट बी यूज, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, मॉडल पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। अमाउंट को हमेशा, अमाउंट का मतलब होता है इक्वल टू, अमाउंट हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है। हैव डन, टू हैव डन, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, देखो परफेक्ट इन्फिनिटिव हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव टू प्लस वी वन हो गया और उसके बाद हैव डन बोला, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव बोल सकते हैं इसको हम। हैज नॉट रिवील्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। येट जो होता है वो एक नेगेटिव एडवर्ब है, जो हमेशा आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। येट को हमेशा जनरली हम दो ही तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं, या तो हम नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज कर लेते हैं, या फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस में येट को यूज नहीं किया जाता है। इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने वी वन प्लस आई एन जी, जो कि मॉडल वर्ब यूज, सॉरी वी वन प्लस आई एन जी, जो कि आपने जीरंड यूज कर लिया है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस आर्टिकल इज कॉम्प्रीहेंडेड बाय यू, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.